हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या होती है, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी मशीन की फंक्शनिंग देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो मशीन है क्या। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल का मतलब होता है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बिजली से चलती है। किस तरीके से वो काम करती है, दैट एक्सेप्ट डाटा, जो हमसे डाटा एक्सेप्ट करती है, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करती है एंड प्रेजेंट द रिजल्ट्स, और जो काम हम उसको देते हैं उसको प्रोसेस करके उसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो हमें प्रोवाइड कराती है, और स्टोर द डाटा और रिजल्ट एज नीडेड। जो भी रिजल्ट निकलता है कैलकुलेशन के बाद उसको साथ के साथ मेमोरी में स्टोर करती जाती है। सो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन, दैट ए कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, परफॉर्म ऑपरेशन, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करती है एंड प्रेजेंट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट निकलता है वो हमें प्रेजेंट करती है एंड साथ के साथ स्टोर द डाटा एज रिजल्ट एज नीडेड। साथ के साथ जो भी रिजल्ट आता है उसको मेमोरी में स्टोर करती जाती है। नीचे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं कंप्यूटर की, ये लैपटॉप की फॉर्म में है, ये हमारा डेस्कटॉप की फॉर्म में है जो ऑल इन वन होता है, जिसके साथ हमारे सीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये हमारा डेस्कटॉप के साथ है जिसमें सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। सो अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या है, एग्जैक्टली व्हाट डज अ कंप्यूटर डू, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म फोर जनरल ऑपरेशंस। कंप्यूटर बेसिकली चार तरीके से काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि चार उसके स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू वो कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। सो सबसे पहला स्टेप है हमारा इनपुट। सबसे पहला काम क्या होता है कंप्यूटर का, कि वो जो भी काम हम उससे करवाना चाहते हैं उसको अपने अंदर एंटर करवाता है, एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर, जिसे हम बोलते हैं इनपुट। यूज़र से डाटा को एक्सेस करना या फिर कोई भी काम जो उसको करना है यूज़र से एक्सेप्ट करना, उसे हम इनपुट बोलते हैं। सेकंड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, कि जो इनपुट उसने ली है यूज़र से, जिस पे वो काम करना चाह रहा है उस पे प्रोसेसिंग करना, एग्जैक्टली वो कौन सा काम करना चाह रहा था उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। एंड थर्ड इज़ आउटपुट, जो उसने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं उसके बिहाफ पे जो भी उसका रिजल्ट कैलकुलेट होके निकला है उसको यूज़र को रिटर्न करना, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। एंड फोर्थ इज़ स्टोरेज, जो भी काम उसने किया है उसको साथ के साथ अपनी मेमोरी में स्टोर कर रख के रखना। तो ये चार हमारे स्टेप्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के वर्किंग में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला है इनपुट, उसके बाद है प्रोसेसिंग, उसके बाद है आउटपुट एंड उसके बाद है स्टोरेज। ओके, सो इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ली जाती है, प्रोसेसिंग जो है वो हमारा कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होता है, आउटपुट जो है वो हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर हमें प्रोवाइड कराता है, और जो स्टोरेज है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट। इनपुट क्या होती है, एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ पुट इनटू द कंप्यूटर, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर पुट करी जाती है और जो प्रोसेस होने के लिए कंप्यूटर को दी जाती है उसे हम इनपुट बोलते हैं। अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू एंटर इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। इनके अंदर हमारा इंक्लूड होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हमारी इनपुट डिवाइसेस की तरह यूज़ की जाती हैं। जिन डिवाइसेस के थ्रू इनपुट दी जाती है उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट बिकम यूजफुल आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो अब हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया है, उसके बाद अब कंप्यूटर का सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स टेकिंग दैट इनपुट और स्टोर डाटा, जो भी इनपुट हमने दिया है उसको लेना और साथ के साथ उसको मेमोरी में स्टोर करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। जो भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं उस काम को अपने अंदर परफॉर्म करना, कैलकुलेट करना, उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और प्रोसेसिंग का काम कहाँ होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, यानी कि सीपीयू के अंदर। ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है ये सीपीयू की इमेज है, जो आपने देखा होगा कंप्यूटर्स के साथ अटैच होता है।
इसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर ने इनपुट भी ले लिया, हमारे इनपुट को प्रोसेस भी कर दिया, कैलकुलेशंस भी कर दिया हैं और अब उसने हम रिज़ल्ट भी कैलकुलेट करके निकाल लिया है। अब उसको थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो रिज़ल्ट उसने निकाला है वो रिज़ल्ट हमें देना, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। आफ्टर इनपुट हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम द रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ कंसिडर्ड आउटपुट। दिस आउटपुट कैन बी व्यूड और हेयर्ड थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। ये जो आउटपुट कंप्यूटर हमें देता है ये आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है, जिसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटर हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, स्पीकर्स होते हैं जिसके थ्रू हम म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं वो भी एक आउटपुट होती है, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी यानी कि अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है किसी चीज़ का, पेपर पे अगर हम उसकी हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं वो भी हमारी आउटपुट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं आउटपुट डिवाइसेस के जिनके थ्रू हमें आउटपुट मिलती हैं। हेडफोन्स हैं जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं, प्रिंटर है जिसके थ्रू हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मॉनिटर स्क्रीन है, स्पीकर है, वेबकैम है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप स्टोरेज। स्टोरेज इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू होल्ड एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जो भी डाटा अगर हम मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं इसका मतलब है कि वो मेमोरी जो है उस डाटा को होल्ड करके रखती है, यानी कि अगर हमें बाद में भी उस मेमोरी को एक्सेस करना है, उस डाटा को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम मेमोरी से उस डाटा को ले सकते हैं। दिस स्टोरेज कैन ऑकर बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग। ये स्टोरेज प्रोसेसिंग से पहले भी स्टोर की जा सकती है और उसके बाद भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन पुट इन टू अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी स्टोर बिफोर इट इज एक्चुअली प्रोसेस्ड। डिवाइस दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज के लिए जो डिवाइसेज इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेज बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल स्टोरेज के लिए आप सभी पेन ड्राइव्स का यूज़ कर रहे हैं, तो पेन ड्राइव हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड आपको दिखाया गया है, यहाँ पे कार्ड रीडर्स हैं आपके, सीडी हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, आपका डीवीडी है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस के जिनके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सो आज हमने किया है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर हमने चार बेसिक फंक्शंस किए हैं कंप्यूटर के। फर्स्ट इज़ इनपुट, कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, सेकंड उस इनपुट को प्रोसेस करता है, थर्ड उस प्रोसेसिंग करके जो भी रिजल्ट आता है वो हमें एज एन आउटपुट प्रोवाइड कराता है, एंड लास्ट स्टोरेज के जो भी डाटा उसने प्रोसेस किया है, जो भी रिजल्ट उसने निकाला है या जो भी काम उसने किया है वो साथ के साथ उसको मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो ये थे हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर।